नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आईलिड ट्विचिंग की, आई की ट्विचिंग की। बहुत लोगों के आईज की ब्लिंकिंग होती है और वह इससे परेशान रहते हैं और यह एक ऐसी समस्या है जो गंभीर विषय भी, गंभीर रूप भी ले सकती है। तो यह एक समस्या है जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि यह ब्लिंकिंग ऑफ आईज होती क्या है। आपकी पलक झपक रही है तो ये क्या होता है और आगे आपको क्या नुकसान इससे हो सकता है। ब्लिंकिंग ऑफ द आईज साथियों तीन तरह की होती है। पहली होती है ट्विचिंग ऑफ आईज। पहली एक जो इसका क्लासिफाई होता है वह होता है मायोकीमिया यानी ट्विचिंग ऑफ द आईज। यह सबसे कॉमन स्थिति है जो हम लोग अपने आसपास पाते हैं कि एक आंख की ऊपर की या नीचे की पलक ब्लिंक करती है, इनवॉलेंट्री ब्लिंक करती है, आपके कंट्रोल के बिना ब्लिंक करती है। इसको कहते हैं मायोकीमिया यानी कि ट्विचिंग ऑफ द आईज। दूसरी कंडीशन जो एक खतरनाक स्थिति तक आपको ले जाती है वह होती है आपकी बिनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म। इसमें साथियों आपका दोनों आईज काफ़ी ब्लिंक करती हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि फिर वो बिल्कुल जिसे कहते हैं जाम स्थिर हो जाती हैं और फिर वह खुलने तक में दिक्कत होती है। यह एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन होती है, खतरनाक मेडिकल कंडीशन होती है। और तीसरी स्थिति जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज में होती है उसको कहते हैं हेमीफेशियल। इस बात इसमें यह होता है हेमीफेशियल, हेमी मीन्स हाफ, फेशियल मीन्स फेस। आधे फेस की मसल्स और प्लस आँख की मसल्स ट्विच करने लगती हैं तो आपके पूरे आधे फेस की मसल्स में ट्विचिंग आने लगती है। यह तीन कंडीशंस होती हैं आपकी ब्लिंकिंग ऑफ द आईज में। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की। सिम्टम्स हमने आपको जैसा बताया, या तो आपकी एक आईलिड इनवॉलेंट्री ड्रॉपिंग हो रही हो, या दोनों आईलिड्स की ड्रॉपिंग हो रही हो किसी के, या फिर आपके फेस की मसल्स और प्लस आईज की एक तरफ की ट्विचिंग हो रही हो, तो यही सिम्टम होते हैं ब्लेफरोस्पाज्म के, यानी कि आपके ब्लिंकिंग ऑफ द आईज के। इसके कारण की बात कर लें साथियों, ब्लेफरोस्पाज्म यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ द आईज, ट्विचिंग ऑफ द आईज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है आपके बेसल गैंग्लिया का डिरेंजमेंट। अगर आपके बेसल गैंग्लिया में डिरेंजमेंट होता है तो आपके यह स्पाज्म होता है। यह एक संभावित कारण है ब्लेफरोस्पाज्म का। इसका एग्जैक्ट कारण आज तक साइंटिस्ट को नोन नहीं है। बाकी वीकनेस होना, कमजोरी होना, खून की कमी होना, यह सब भी इनडायरेक्टली आपके ब्लेफरोस्पाज्म यानी ब्लिंकिंग ऑफ द आईज में रिजल्ट करते हैं। बहरहाल समस्या है तो उसका समाधान है। हम आपको बताते हैं ऐसी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ जो आपकी यह इनवॉलेंट्री ब्लिंकिंग ऑफ द आईज को ठीक करके आपको समाज में जो आपकी अवहेलना होती है उससे आपको रोकेंगे। दवाएं बताने से पहले ये बताना चाहेंगे साथियों, कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछे बिना मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं आपकी आंखें फड़कने की, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज की, ब्लेफरोस्पाज्म की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में ब्लेफरोस्पाज्म को ठीक करने की, आपकी ब्लिंकिंग ऑफ द आईज को ठीक करने की है, वह है एगारिकस मस्कैरिस। आप एगारिकस 1 mg पावर में, बल्कि मैं कहूँगा 1 mg नहीं, 200 पावर में, दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लीजिए। आप पाएंगे कि कुछ वक्त करने के बाद आपकी ब्लिंकिंग ऑफ द आईज कम होने लगी और आपको आराम मिलने लगा। एक साथियों बहुत कारगर दवा है आई ब्लिंकिंग की, मैं कहूँगा नंबर एक दवाओं में शामिल है आई ब्लिंकिंग की, वह है एपिस मेलिफिका। जब भी आपकी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो, आईलिड्स आपकी गिरे इनवॉलेंट्री गिर रही हैं, तो एपिस बहुत अच्छा काम करती है। इसका सिम्टम है आपको प्यास न लगती हो, आपके ऐसे चुभन जैसे बरैया काटने पे होती है, इस तरह की चुभन शरीर में महसूस होती हो, अगर इस तरह के सिम्टम आप में हो, या अर्टिकेरिया आपको रहा हो या हो, इस तरह के सिम्टम अगर आप में हो तो एपिस मेल आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है आपकी ब्लिंकिंग ऑफ द आईज को रोकने के लिए।
एक स्थिति साथियों आती है जब आपके आंखें इनवॉलेंट्री ट्विच करती हैं, उसमें आती है कि आपको वीकनेस बहुत होती है। अगर आपको बहुत कमज़ोरी है, फटीग है और आपकी आईज ट्विच कर रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जिनकम मिटालिकम। आप जिनकम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। इस दवा से आपकी आँखों का फड़कना, आपका यह जो इनवॉलेंट्री ट्विचिंग है, यह ख़त्म हो जाएगी, आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके पढ़ने लिखने के बाद आइस ब्लिंक करने लगी। अगर पढ़ने लिखने के बाद आइस ब्लिंक करने लगी तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्रोकस। आप क्रोकस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। यह दवा आपकी आई ब्लिंकिंग को भी रोकेगी, जो पढ़ाई करने के बाद इस आई स्ट्रेन के बाद आपके ब्लिंकिंग शुरू हो जाती है। एक साथियों स्थिति आ सकती है किसी के सामने कि आपकी आई ट्विच कर रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं इनवॉलेंट्री, और आपको विजन ब्लर्ड हो गया, आपका जो वो आई साइट है वो धुंधली हो गई, आपको चीज़ें धुंधली दिख रही हैं। तो अगर यह स्थिति है कि आपका विजन ब्लर्ड है, आपकी आई साइट धुंधली महसूस हो रही है और आपको आइस की ट्विचिंग हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की, ब्लड विजन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फाइटोस्टिग्मा। आप फाइटोस्टिग्मा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 बार लेकर देखें, आपको लाभ मिलेगा इस कंडीशन में और आपका ब्लड विजन भी खत्म होगा। एक स्थिति साथियों आती है कि आपकी आइस में ट्विचिंग हो रही हो और आपको धूप से आँखों में चमक लगती हो, तो अगर यह स्थिति है कि आपको आँखों से धूप में चमक लग रही है और आपके ट्विचिंग ऑफ द आईज हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसनैलिस। आप यूफ्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका यह जो फोटोफोबिया है, आँखों में चमक है लाइट की, यह भी खत्म हो जाएगी और आपकी यह जो ट्विचिंग आईज की है, यह भी खत्म होने लगेगी। एक साथियों स्थिति आती किसी के सामने, खास तौर से वह एपिलिप्टिक मरीज के केस में आती है, जब उनको एपिलिप्टी का अटैक पड़ता है, उसके बाद कई दिन तक उनकी आईज ब्लिंक करती रहती हैं। तो अगर किसी के यहाँ समस्या है कि उनको एपिलिप्सी हो और उनकी आईज ब्लिंक करती हो, तो उस स्थिति में एपिलिप्सी को ठीक करने और आईज को ब्लिंक को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है काली बाइक्रोमियम। अब काली बाइक्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी आई ब्लिंकिंग भी ख़त्म हो जाएगी और आप भी ठीक हो जाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके आईज में ट्विचिंग होती है जब आप पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो अगर यह स्थिति हो कि जब आपको लिखने पढ़ने में आईज में ट्विचिंग होती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कोडिनम। आप कोडिनम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको ट्विचिंग के आपकी आइस को ख़त्म करेगी और आपको लिखते पढ़ते टाइम जो दिक्कत होती है वह भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। एक स्थिति आती है साथियों, आपकी आइस बिल्कुल ड्राई हो गई और आपकी आइस में ट्विचिंग हो रही हो। अगर यह स्थिति आप में है कि आपकी आइस ड्राई हो गई और आइस में ट्विचिंग हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी ड्राई भी आईनेस की ड्राई जो नेस जो आइस की है वह भी ख़त्म कर देगी और आपकी आइस की ट्विचिंग को भी रोक देगी। एक साथियों स्थिति आती है जब आपके बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो, उस समय भी आपकी आँख फड़कने लगती है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है और आपकी आँख फड़क रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में ले सकते हैं। यह दवा आपकी आँख के फड़कने को भी रोकेगी और आपकी नर्वसनेस को भी खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आँख में इतना तकलीफ है कि इसको उठना ही मुश्किल है। तो अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी, जिसे कहते हैं वो सेकेंड स्टेज में बेनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पाज्म आपको हो गया है कि आँख उठना ही मुश्किल है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्सोल। आप मर्सोल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके ब्लेफरोस्पाज्म को ख़त्म करेगी, आइस की ट्विचिंग को ख़त्म करेगी और आपको सामान्य करेगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो उस वक्त आपकी आँखों में ट्विचिंग बहुत ज़्यादा होती है।
आँखों की पलकें उठ नहीं पाती हैं। तो अगर यह स्थिति आप में है कि सुबह के वक्त आपकी ट्विचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आँखों में जलन हो रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फर। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपकी आँखों की ट्विचिंग भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी यह तकलीफ भी चली जाएगी। एक स्थिति साथियों किसी के सामने आ सकती है कि आपकी शाम हुई और आपकी पलकें झपकने लगीं, गिरने लगीं। तो अगर यह स्थिति हो कि शाम के वक़्त आपकी आईलिड्स में ट्विचिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हो और रात तक रहती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हिपर सल्फ्यूरिस। आप हिपर सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपकी शाम और रात के वक्त होने वाली ट्विचिंग भी ख़त्म हो जाएगी और आप इस समस्या से पूरी तरह इस दवा से निजात पा जाएंगे। एक साथियों स्थिति आ सकती है किसी के सामने कि आपकी आँख की पलकों में बहुत जलन हो रही हो, आँख में आपके बहुत जलन हो रही हो और आपकी आँखें ट्विच हो रही हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपकी आईज में बर्निंग हो रही हो और आपके आईज में ट्विचिंग हो रही हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम। आप कैल्केरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके आँख के फड़कने को भी रोकेगी और आपको ठीक करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपकी इस समस्या की, जिसमें कि आपकी आइस ब्लिंक होने की इनवॉलेंट्री समस्या है। दवाएं साथियों ये बहुत कारगर हैं, लेकिन निवेदन करेंगे कि कुशल चिकित्सक से पूछे बिना यह दवा ना लीजिएगा। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप या यूट्यूब पे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको बात का जवाब दे सकें। वीडियो साथियों आपसे निवेदन करेंगे, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।